तो आज वाशी में है अपना तीसरा दिन और आज चाचा के साथ जाएंगे आसपास का थोड़ा घूमने, फ्लेमिंगो पॉइंट वगैरह है और पार्क है, वो सब घूमते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या घूमने लायक वाशी में। फिर शाम को जाएंगे हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह, तो चलिए देखते हैं। अभी हम अपने दूसरे घर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से चाचा के साथ निकलेंगे, सूरज चाचा साथ में है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग जा रहे हैं फ्लेमिंगो पॉइंट देखने। कहाँ पे जाएंगे? फ्लेमिंगो पॉइंट है सागर विहार। यहाँ पे ना जो भी फ्लेमिंगोज माइग्रेट होकर आते हैं ना, वो नवी मुंबई के ये मैंग्रोव का जो एरिया है ना, वहाँ पे सारे आते हैं और इसी कारण ना नवी मुंबई को फ्लेमिंगो सिटी भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे जगह पे ऐसे स्पेशली फ्लेमिंगोज के लिए पॉइंट बने हुए हैं। एक जस्ट अपने घर से पास में है और कुछ दूरी पर भी, अभी देखते हैं अपने को देखने मिलते हैं कि शायद हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, बट मे भी मिलने चाहिए। हाँ बहुत सारे, ये आ गए हम सागर विहार। हाँ मम्मी, ये भी नवी मुंबई का एक फ्लेमिंगो पॉइंट है। जैसे सारे माइग्रेटेड फ्लेमिंगोज ना, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड से माइग्रेट होकर नवी मुंबई आते हैं ये सीजन में, मार्च मेरे हिसाब से ठंड से स्टार्ट होते हैं और काफ़ी टाइम तक रहते हैं, मुझे एग्जैक्टली ड्यूरेशन नहीं मालूम है, बट पानी नहीं, वो मर्ड है। अच्छा, और वो लोग जो खाते हैं ना, वो उसी कीचड़ में से ऐसे छान के क्या कहते हैं, काई बोलते हैं ना, उस तरीके की कोई चीज़ खाते हैं। तो ये तो अभी भी कम है, ये ना एक ऐसे फुल वाइट या ऑरेंज दिखता है, इतने रहते हैं। और यहाँ से ना कुछ दूरी पर अराउंड 8-10 किलोमीटर्स पे सेम ऐसा ही पॉइंट है जहाँ से जेटी चलती है, बोट राइड होती है, यही फ्लेमिंगोज देखने के लिए। अच्छा, एरोली। ये देखिए अभी काफ़ी दूर है पर बहुत सारे देखने मिलते हैं। पहली बार देख रहे हैं इतना पूरा मट्टी मट्टी। असल में ये खाड़ी का हिस्सा आता है, ये बीच नहीं कहलाता है, खाई खाड़ी 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 बीच जिस पे सैंड रहता है और खाड़ी ऐसे मर्ड वाला कीचड़ वाला जो पूरा मैंग्रोव से कवर्ड है। अभी ध्यान से कीचड़ है, देखिए ये पूरा कीचड़ है, दलदल टाइप हुआ पूरे फ्लेमिंगोस। आप बहुत दूर दूर तक देखोगे ना एकदम, वो जितने भी बीच में, अभी मेरे बेबी गोप्रो में आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन वो देख जितने भी पैचेस दिख रहे हैं ना, वो दूर के हल्के हल्के स्पॉट्स, वो सारे फ्लेमिंगोज ही हैं और एक दूर भी रहते हैं। उन लोगों को शायद कुछ खाने को नहीं देना चाहिए ना, बोलते नहीं तो वो लोग उड़ नहीं पाते वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग ना, ये लोग अपने से इंसानों से दूर रहते हैं, यहाँ पर जो इंसानों की पहुँच में ना, वो रहा वो सी ईगल, ये लोग बहुत सुपर फ्रेंडली हो जाते हैं। इनको गाठिया फाफड़ा खिला के ना, ये गुजरातियों ने गुजराती बना दिया है। यहाँ कम है, अभी दो चार ये बंदर के पास चलता हूँ ना, दिखाता हूँ, वहाँ पे लोग खिला भी रहे होंगे, ऐसे हाथ से खिलाओ तो भी आ जाते हैं, इतने सुपर फ्रेंडली हो चुके हैं। ये वो ये प्रयागराज में भी वहाँ पे था, ये वही वाले सी ईगल। हाँ, ये भी माइग्रेटेड ही है। अगर सुबह हम लोग थोड़ा और जल्दी आते ना, तो ये पूरा ऐसा दोनों साइड भी भरे रहते हैं। अच्छा, धूप में नहीं रहते क्या बाहर ज़्यादा? हाँ, धूप में ज़्यादा बाहर नहीं रहते क्या वो लोग? नहीं रहते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट टाइम समय रहता है ना, वो लोग ऐसा आते हैं अपना खाते हैं उसके बाद चल देते हैं। अभी जैसे वो लोग आगे के साइड चले गए, थोड़ा सा अपने से दूर भी रहते हैं। ये देखिए ये है मडफिश, ये मतलब ये साफ रहता होगा। हाँ, यहाँ से इधर आती है, ये सब ना ऐसे इधर बैठते हैं यार, अभी ये सब पूरा घास उगा है इतना बड़ा। हाँ, इसी में जाके
प्यार में बहुत ताकत होती है। पूरी ताकत यही आके दिखती है। अभी तो फिर भी ये सब सूखने का है, ठीक है। वैसे तो ये सुपर रिस्की रिस्क खत्म हो जाता है प्रेमियों के आगे भाई। दलदल कीचड़। ये पूरा मैंग्रोव है जो हाई टाइड और उससे ना सी वाटर को रोकता है ऐसे सिटी में एंटर होने से। ये इसीलिए है ही, पहले ना पूरे मुंबई के किनारे किनारे ना मैंग्रोव के बहुत बड़े बड़े जंगल थे। ये ना सी का पानी, समुद्र का पानी अंदर आने से हमेशा रोकता था। अब धीरे धीरे कटते जा रहे, जिसके वजह से आगे चल के मुंबई को नुकसान ही होगा, फायदा तो होने वाला नहीं है। ये अभी ये सब रह नहीं गए हैं, बहुत लिमिटेड जगह पे है थोड़े थोड़े। ये लवर्स अंडर लवर्स पॉइंट, ये सनसेट पॉइंट जो फिलहाल लवर्स पॉइंट बना हुआ है, एज ए सनसेट पॉइंट ओपन हुआ है। बाकी यहाँ से भी अपने को फ्लेमिंगोस देखने मिल जाएंगे। वो भी छोटे छोटे पैक पैचेस जो है ना उधर देखा, अंदर बहुत हो गई, बहुत दूर पे पूरा सब दिख रहा ना ऑरेंज, वो वही है साइड रहता है। वहाँ से मस्त एक बोट राइड है, और जल्दी आए रहते ना तो इससे और इधर इससे को ना भरा दिखता। अभी ये लोग पीछे और दूर पीछे चले गए, वो पीछे जितना भी दिख रहा है ना थोड़े थोड़े स्पॉट्स तुझे हाँ हाँ वो सारे फ्लेमिंगोज हैं, मेरे से करोड़ों की तादाद में रहते हैं। दोपहर तक गायब, फिर अंदर चले जाते हैं। ये सब है ना जंगल, इसे थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड हो। और अभी हम लोग जहाँ पर है ये गार्डन पूरा ऐसे कनेक्टेड है, इधर से ऐसे जाके ना वो साइड से ना पूरा वो बिल्डिंग दिख रही है ना, हाँ ऐसे पूरा वन पैच में कनेक्टेड एकदम लास्ट तक, जिस ट्रैक से हम लोग आए। लोग जो भी कुछ भी कचरा डाल देते हैं ना तो उसे आके ऐसे इसमें फंस जाते हैं, उसे उसकी रूट्स है वो प्लास्टिक को एक जगह पे जमा कर लेते हैं। लेकिन इसका भी साफ़ सफाई प्रॉपर करना चाहिए गवर्नमेंट को, करते भी हैं तभी इतना बहुत कम दिखता है, नहीं तो पूरा प्लास्टिक से हाँ थोड़ा सा इजी पड़ता है। नहीं तो बाकी फूल पत्ती दुनिया भर का हम लोग पूजा पाठ करके तो सब फेंक ही देते हैं। चारों साइड सब यहाँ से वहाँ तक पूरे मैंग्रोव का ही पहुँच, और मे बी ना अभी नवी मुंबई में ही सबसे बड़ा मैंग्रोव का वो बचा हुआ है।